आज मैं आप सभी लोगों के लिए बचे हुए पूजा पाठ के चूरे की नमकीन की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने इस प्लेट में लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने ली है कटी हुई गरी, मखाने, किशमिश, काजू और बादाम। साथ में ली है मूंगफली के दाने। अब कढ़ाई में डाला है तेल। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद स्लो फ्लेम पर ही मूंगफली को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी, जब तक कि ये हल्का सा चटक ना जाए। तो स्लो फ्लेम पर मैंने इसे रोस्ट कर लिया है और अब इसका हल्का सा कलर चेंज होने के बाद इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब इसी तेल या घी में डालूँगी सभी ड्राई फ्रूट्स। इनको भी स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। मैंने मखाने के साथ में सभी को डाल दिया है। आप जब भी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करें तो आप मखाने को अलग से रोस्ट करें, क्योंकि मखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और काजू बादाम बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है उसी प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में फिर से डालूंगी लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल। चूरे को आप पहले ही किसी बड़े छेद वाली थाली में अच्छी तरह से छान लें, जिससे कि इसमें जो बारीक वाला चूरा है वो निकल जाए, नहीं तो ये भुनने के बाद जलने लगता है। तो अब इसे डाल दूंगी इस तेल में। तेल गर्म हो गया है और स्लो फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे भुनूंगी। अब चूरा अच्छी तरह से भुन गया है तो इसमें डाला है कलर के लिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। साथ में डाली है 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। टेस्ट के हिसाब से डाला है काला नमक, सफ़ेद नमक मिक्स किया हुआ, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और अब डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इसकी जगह पर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि सभी मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो सभी मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसमें डाल रही हूँ मूंगफली के दाने और काजू बादाम, जिसे मैंने अभी आपको रोस्ट करते हुए दिखाया है। और अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी चूरे के साथ में, जिससे कि इसमें नमक और सभी मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आपके पास करी पत्ती है तो आप इसमें डाल सकते हैं, उसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इसमें डाली है कटी हुई हरी धनिया और फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब नमकीन को निकाल लूँगी इस प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कि चूरे की नमकीन कैसी बनी है। अगर आपको मीठी नमकीन पसंद है तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी मिक्स कर सकते हैं। और जब नमकीन अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर स्टोर करके लगभग 1 हफ्ते से भी ज़्यादा दिनों के लिए रख सकते हैं। ये नमकीन बहुत ही कम तेल और मसाले की बनी हुई है। तो आप सभी लोगों के लिए बचे हुए चूरे की नमकीन बन। और अगर सरसों के तेल में आप इसे बनाते हैं तो 4 से 5 दिनों के बाद इसमें हल्की सी तेल की स्मेल आने लगती है, इसलिए मैंने इसे रिफाइंड या फिर घी में बनाया है। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।